started as an 84-long-hour lockdown in Jammu and Kashmir on April 29th has now been extended up to May 10th in five major districts. This keeping in view a sharp rise in the COVID-19 cases in the second wave of the pandemic. Now the vaccination drive has started across the country. But for extremely marginalized communities like the transgender community, access to health interventions in the pandemic times comes with many barriers. काफ़ी मलाल है क्योंकि अगर मतलब हर एक के लिए कुछ ना कुछ मतलब गवर्नमेंट कर रही है हर किसी के लिए. अभी आप देखिए मतलब दिल्ली में या बाकी जगहों में 5,000 दिए गए, 10,000 दिए गए मज़दूरों को. मतलब ठीक है, इसी तरह हमारा भी ख्याल गवर्नमेंट को रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो कोई या तो गाना बजाना है या फिर ये आपको पता है रिश्ता करवाना है. कश्मीर में जो है हमारा कल्चर जो है वही है, उसी पर हमारा क्योंकि अब 3 साल से तो पहले आपको पता है 370 की वजह से बंद हुआ था, फिर पिछले साल कोविड की वजह से, इस साल फिर कोविड की, अब सीजन आया तो फिर बंद हो गया. The transgender community is already a marginalized and vulnerable section of the population. In the current COVID crisis, it stands completely neglected and alone, without any support extended by the state administration. हमें कोई नहीं आया बोलने, ना पूछने आया ना बोलने आया कोई, आप भी वैक्सीन कीजिए. हमें कोई नहीं आया. देखिए ज़रूरत क्या नहीं है, लेकिन हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह इग्नोर कर देती है. जो थर्ड जन है उनको पूरी तरह इग्नोर कर देती है गवर्नमेंट. देखिए अगर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो ये इग्नोर अभी नहीं हुए हैं, तो ये बहुत पहले से इग्नोर होते जा रहे हैं. तो पैंडमिक में भी ये इग्नोर हो गए, तो उसकी वजह यही है कि दैट हम इनको सोशली जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी में इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं. तो उस वजह से जो है ये हर एक, चाहे क्राइसिस हो चाहे नॉर्मल लाइफ हो, हर एक चीज़ में ये जी है जो है साइडलाइन हो जाते हैं. जब हम सोसाइटी में वेलबींग की बात करते हैं तो वो वेलबींग जो है वो कलेक्टिव वेलबींग होना ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं है कि दैट हम एक जो है एक जेंडर कैटेगरी को वैक्सीनेट करें और एक को हम इग्नोर करें. Dr. Ejaz Ahmed Bund is a social worker who runs an NGO, Sonzal Welfare Trust, that works for the welfare and rights of the queer community in Kashmir. ये जो आइडेंटिटी है इट कट्स अक्रॉस वेरियस इंटरसेक्शंस. वो इंटरसेक्शन जो है उस वजह से जो जो क्राइसिस सिचुएशन होती है इस टाइम पे जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ सो मैनी जो लेयर्स ऑफ ऑपरेशन है. तो ऐसी सिचुएशंस में मुझे लगता है इनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए था, लेकिन इनको जो है इग्नोर किया जा रहा है. और वैक्सीनेशन के मामले में तो बिल्कुल भी जो है इनको साइडलाइन किया गया अभी तक. He pointed out for something as simple as downloading Covin app would mean that the transgender community members need to have smartphone, many of whom cannot afford it. देखिए रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी जो है ये एक प्रिविलेज है. ये मुझे प्रिविलेज है क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन हाथ में है और मैं इसको एक्सेस कर पाता हूँ, लेकिन इनके पास मोस्टली जो हमारी जो मेंबर्स है मोस्ट ऑफ देम हैव बीन डिसओन्ड बाय देयर फैमिलीज, और ऐसी सिचुएशन में जो उनकी एग्जिस्टेंस है दैट्स कन्फाइंड टू हैंड फ्रॉम हैंड टू माउथ. तो ऐसी सिचुएशन में खाने के लिए कुछ नहीं है तो स्मार्टफोन जो है वो हम सोच भी नहीं सकते, तो रजिस्टर कैसे कर पाए, या अगर फ़ोन भी है तो उसको एक्सेस करना नहीं आता है क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं. बहुत सारी जो कम्युनिटी में मैक्सिमम हमारी जो है ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं वो स्कूल ड्रॉप आउट है, तो उनके लिए ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है उस वजह से ये नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते. तो इनके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए, या जो कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स है, हेल्थ इंटरवेंशन सेंटर्स है, वहाँ पर जाकर फ्रीली जो है विदाउट यू नो रिमेनिंग इन क्यू दे शुड हैव बीन गिवन प्रायोरिटी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हुआ. देखिए अपील तो यही है कि मतलब गवर्नमेंट आए, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ के थर्ड जन है वो लगभग 99%
अनपढ़ हैं, उन्हें कई लोग तो ऐसे हैं उनको वैक्सीन के बारे में पता भी नहीं बेचारों को कि मतलब वैक्सीन करवाना है जाना है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि घर घर आए ना कि वहाँ पर के उनके घर आए उनको, मतलब गवर्नमेंट आए कि चलिए आप वैक्सीन कीजिए। थर्ड जन की तरह पूरी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, जैसे वो एक मतलब मर्द को जैसे एक औरत के लिए ऐसे थर्ड जन के लिए भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, जिस तरह बाकी स्टेटों में है।